अग्नि शक्ति देगी मुक्ति। अग्नि लहर, विंड ब्रीथिंग, सेकंड फॉर्म। क्रंची रोल, तुम सुधर गए? चलो शादी करें, आराम से 25-30 बच्चे पैदा करके मोहल्ले बसा लेंगे। फेमस लेयर सीजन 4 का हिंदी डबिंग क्रंची रोल पे आ चुका है। और तुम्हें पता है क्रंची रोल और मेरा रिलेशन कितना पुराना है और कितना लॉयल है। वो हिंदी डबिंग लेके आता है, हर बार उन्हें रिव्यू करते हैं और हर बार हम उन्हें सुनाते हैं। वॉइस एक्टिंग में हम हर बार तारीफ करते हैं, बट जो स्क्रिप्ट चेंज होती है उनकी, वही इंग्लिश से हिंदी में डायलॉग वगैरह चेंज होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अग्नि शक्ति देगी मुक्ति। ये नहीं सुधरते, फ्लेम ब्रीदिंग को अग्नि शक्ति देगी मुक्ति, जिनकी हिंदी डबिंग ऑफिशियली मेरे को किसी ने बताया था, उन्होंने अपनी हिंदी डबिंग फिक्स कर लिया है पुराने एपिसोड्स के भी। चलो हम पुराने हिंदी डबिंग्स को तो साइड करते हैं, आज हमारे पास सीजन 4 क्या देखते हैं, उनमें इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है या नहीं करी है। एंड बिफोर हम हिंदी डबिंग को रिव्यू करें, मुझे बता तुम कमेंट में क्या स्पैम करने वाले हो, SMF पार्ट 2 कब आने वाला है। ये देखो, लुक एट दिस, अपलोडेड है, येलो डॉलर आ रखा है, रिव्यू के लिए भेजा हुआ है, एज सून एज इट गेट फिक्स मैं पब्लिक कर दूंगा। और सेकंड चीज, हिंदी डबिंग रिव्यू करते तुम्हें पता है मैं डबिंग के अंदर तीन चीजें देखता हूँ। पहली, कैरेक्टर की जो हिंदी डबिंग है क्या उस कैरेक्टर के साथ वो फिट भी बैटरी है, कि लाइक कैरेक्टर काफी बोल्ड है पर जो हिंदी डबिंग है काफी वो वीक सी है, ऐसा मान लो। सेकंड चीज, उसकी हिंदी डबिंग के अंदर क्या हमें इमोशंस फील हो रही है। और लास्टली थर्ड, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द हिंदी डबिंग फेल हो जाता है, वो होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जो तुमने देखा अभी। ओके, हमारे हाशिराज आ चुके हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले शायद से सानवी क्या बना हुआ है, ठीक है। खंडहर हो चुके महलों को जब ठीक किया गया होगा तब सुनसान इलाके में बने। अब तुम ऑफिशियल जापानीज वाली सुनने वाले हो, ये सानवी की थी। बस ओ बनाएगी, थोड़ी और दबी हुई फील हो रही है, वरना तो सही है मेरे हिसाब से। वो हवा में तो गायब नहीं हो सकती ना बेवकूफ। सानवी में वो अग्रेशन फील नहीं हो रहा है। कल रात ही इसे ठिकाने लगा देना चाहिए था। भारी वॉइस डीमन पे सूट कर रही है। सर्पेंट ब्रीदिंग, विंड ब्रीदिंग, नाम ले। तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाओ, विंड हाशिरा और मैं ही जाएंगे। चलो, विंड हाशिरा ही बोल रहे हैं, हवा का हाशिरा या हवा का पिलर ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं कर रहे, सही है। विंड ब्रीदिंग, सेकंड फॉर्म, क्लॉज प्योरिफाइंग विंड। क्रंची रोल, तुम सुधर गए भाई? उसने विंड ब्रीदिंग की प्रॉपर फॉर्म बोली है हिंदी के अंदर, और बोली भी एकदम एक्यूरेट है, विंड ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, क्लोज प्योरिफाइंग विंड। ओके, आई गेस इतनी बार सुनने के बाद क्रंची रोल समझ गई कि लाइक उन्हें क्या चीजें करनी है ट्रांसलेट और क्या नहीं करनी है ट्रांसलेट हिंदी डबिंग के अंदर। सर्पेंट ब्रीदिंग, सर्पेंट ब्रीदिंग फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, स्लिथरिंग सर्पेंट। सर्पेंट ब्रीदिंग का बिल्कुल ठीक नाम लिया गया है फिफ्थ फॉर्म का। इस बार लग रहा है क्रंचीरोल हमसे 5 स्टार लेके जाएगी। बाल बाल बच गए तुम। तुमसे किसने मदद मांगी थी? हाँ, एक चीज में हल्की फुल्की लाइक टच हो रही है, वो ये है सानवी की वॉइस। जैसे सानवी वॉइस कितनी गुस्सैल और थोड़ी भारी वाली है, ये गुस्सैल है बट इतनी भारी नहीं है। सर्पेंट ब्रीदिंग, एक और थर्ड फॉर्म, इट वॉज समथिंग थर्ड फॉर्म, कोयल चौक या कोयल चौक। मेरे को टीचर वाली फील आ रही है पीटीएम के अंदर, कि लाइक मैं टीचर की तरह एक बच्चे को हर पीटीएम में सुनाता रहता हूँ कि तेरे मैथ्स में गंदे नंबर आ रहे हैं, तेरे मैथ्स में गंदे नंबर आ रहे हैं, और अगले एग्जाम के अंदर वो मैथ्स में टॉप कर देता है, ऐसा फील हो रहा है मुझे इस टाइम। रिकॉर्डमेंट, विंड ब्रीदिंग, फोर्थ फॉर्म, राइजिंग डस्ट स्टॉर्म। Nice. Lady Shinobu is here, guys. She got aquarium. Master, मैं यहाँ वापस आ गई हूँ। सॉर्ट स्मिथ विलेज में जो कुछ हुआ वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तोकितो की, मित्सुरी की, साथ ही तांजिरो और बाकी सभी की वजह से मैंने कुछ नोटिस करा, और वो ये है जो कनाओ की वॉयस है वो सुन के मुझे बहुत ज्यादा इमोशनलेस फील हुआ। जैसी कनाओ दिखाई गई है कि मतलब बिल्कुल बस बोलना कि मैं वापस आ गया, बिल्कुल बस बोलना, कोई सैड पना नहीं, कोई खुश नहीं, बिल्कुल बोलना बस। और उसके बाद एकदम शिनोबी की वॉयस सुनना, साफ पता लग रहा था कि कोई उसकी सीनियर बात कर रही है। जरा फिर सुनो, मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, हम दो अपर रैंक्स वाले डीमंस को हरा सके, इतना ही नहीं। इसकी वॉयस सुनने मुझे तांजिरो मा बोए, वो वहाँ से जा रहे हैं, ये बताओ गांव में सब लोग ठीक तो है ना? मेरे को सीरियसली बहुत टाइम हो गया इनकी लास्ट हिंदी डबिंग सुने, आई डोंट इवन नो ये पुराने वाली सेम वॉइस है नई वॉइस है, बट ठीक है। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि रात को और डीमंस आ सकते हैं, इसीलिए वो पलायन कर रहे हैं। पलायन, व्हाट इज पलायन, वाज इट प्लान, इसीलिए वो पलायन कर रहे हैं। What is पलायन? ये जापानीज वाली है। इसकी बात पढ़ के लग रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि वो लोग प्लान कर रहे हैं, पता नहीं उसने हिंदी डबिंग के अंदर पलायन क्यों बोला है फिर। ओ यहाँ हम मे बी ग्योमे की आवाज सुनेंगे, ग्योमे बैठा, लेट्स गो, ग्योमे की वॉइस, लेट्स गो। कोई बात नहीं,
मिशन पूरा करके अच्छा काम किया। As expected, एक काफी स्ट्रॉन्ग और भारी वॉइस। मित्सुरी और तोकितो। कांटे की टक्कर थी, ऐसा लग रहा था कि आज मैं बचूंगी ही नहीं। मित्सुरी की वॉइस काफी स्वीट साउंड कर रही है, जैसे होनी भी चाहिए। मित्सुरी और तोकितो। अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं ये। और मैं भी। अच्छी थी। टोकिटो जस्ट साउंड्स लाइक अ लॉस्ट किड, मतलब बिल्कुल उसकी हरकतें भी ऐसी है। इस बारे में मास्टर भी जरूर हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे। डिप्रेस्ड गाय साउंड्स लाइक अ डिप्रेस्ड गाय। मास्टर की बीवी आ गई। आपका शुक्रिया। आज की ये हाशिरा मीटिंग अमाने उबुयाशी की यानी मेरी देखरेख में होगी। साउंड्स गुड। मीटिंग छोड़कर क्यों जा रहे हो? अबे बात सुन, तुझे समझ नहीं आ रहा? अब से पहले भी तो इस तरह की बकवास कर चुका है तोमियो का। ये अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा इनके। अरे जनित्स भाई आ गए। आई नजो की वॉइस। स्वागत है। अरे भाई सब ठीक हो गई? तुम मेरे लिए बोली ना, चांदनी में तो तुम हूर की परी लगती थी, लेकिन सूरज की रोशनी में तो तुम उसकी भी अम्मा लग रही हो। चलो शादी करें, आराम से 25-30 बच्चे पैदा करके मोहल्ला बसा लेंगे। चलो अभी शादी कर लेते हैं। तुम्हारा स्वागत है इनोस्के। इनोस्के? हाँ इनोस्के। कहाँ है वो जंगली सुअर? कहाँ है वो जंगली सुअर? ओके, नेजो की वॉइस तो ठीक है, मैं क्या बोलूँ, बट जनित्सु की वॉइस हमने देखी अभी जे भाई बहुत प्यारी लगी मुझे। 25-30 बच्चे जनित्सु, क्रिकेट ही बड़ी करनी है तेरे को? मोहल्ला बसाएंगे भाई, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा मुझे। हाँ बट इस लौंडिया की वॉइस सुनो जरा। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा साउंड कर रहा है कि अपनी ऐसे थोड़ी मैच्योर वॉइस है, थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे। मैं ज्यादा The goat is here. सबके अभ्यास का समय आ गया है। सबके अभ्यास का समय? सबसे शक्तिशाली लोग अभ्यास कराएंगे। अरे ट्रेनिंग शुरू। टेनगन इज अबाउट टू कम। ऑल द मैन जो सुनी हुई है उसकी बात फिर सुनते हैं। क्या कर रहे हो तुम सब के सब? जनरली बोलो जो डीमन डायरी या क्रंची रोल है उनकी जो वॉइस एक्टिंग होती है वो अच्छी होती है हर बार। 90% ऑफ द टाइम हमें जो दिक्कत आती है वो उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर ही आती है। वो चेंज कर देना अटैक्स के नाम या कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के नाम चेंज कर देना, हिंदी के अंदर कर देना उन्हें। एंड राइट नाउ उन्होंने अपनी वो पास्ट की गलती रिपीट नहीं करी है। बोला ना कहानी नहीं चाहिए। इसकी बीवी का है। क्या करेगा? आ गई, माल आ गया गाइस, माल आ गया। इन्हें सिखाते हुए कितने जोश में। मैं इनकी वॉइस तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, इनकी बिना सुने मैं कह रहा हूँ इनकी वॉइस बहुत प्यारी है। सबको बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो हम सब मिलकर बहुत सारी। मेरे को बहुत भूख लग रही है, मेरे को बहुत भूख लग रही है। कैन आई गेट सम मिल्क? अब हमारे मरीज की वॉइस, मजाक कर रहा हूँ। अमाने तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे वॉइस से ये एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे फील हो कि जिसकी मैं वॉइस सुन रहा हूँ वो एक्चुअली में पेन में है या वो मरीज है, पेशेंट है वो एक। ओ ओ मुझे लगा किसकी आवाज आने वाली है, मुझे घूसन आ चुकी है ऑलरेडी। जो अपना कका है ना इनका जो मास्टर वगैरह उसका जो क्रो है इसकी बात कर रहा हूँ, और इसकी वॉइस दी है आइजन के वॉइस एक्टर ने। अब मुझे हिंदी डबिंग के अंदर बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए उसके क्रो से। तो क्रो की वॉइस शुड बी द पीक वॉइस, कम ऑन ब्रिंग इट ऑन। हियर इज। कैसी हैं आप मिस्टर मायो? रात के समय खिड़की खोली रखना सुरक्षित नहीं। इसकी वॉइस सुन के मुझे फील हो रहा है कि अभी ये बोलने वाला है एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ माय प्लान। क्या तब आप मुझे ट्रेनिंग दोगे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप किसी बात पर मुझसे गुस्सा हैं? पर किस बात पे गुस्सा हैं? इसकी वॉइस जब भी मुझे अच्छी लगी तांजिरो की, जब देख के लग रहा है ये कोई डम बात करने वाला है तब वॉइस थोड़ी चेंज होती है भाई डम वॉइस के अंदर। वाटर ब्रीथिंग फोर फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट। ये क्या था? हां एक्सक्यूज मी, वी आर गोइंग सो गुड विद द वॉटर ब्रीदिंग जो भी फॉर्म थी एंड ब्रो लेट्स रिपीट इट। ओके वो एक फीमेल डीमन होगी इसलिए थोड़ी ऐसी वॉइस आई, बट ठीक है वी गॉट द गुड वन। वॉटर ब्रीदिंग हमें अच्छा सुनाई दिया, वॉटर ब्रीदिंग हमने जल शक्ति नहीं सुना इस बार। ओके सो अब तक हिंदी डबिंग के बस दो एपिसोड ही आए हैं और हमने दोनों के अंदर जितनी भी वॉइस वगैरह थी जो भी ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ रिव्यू कर लिया। जो वॉइस एक्टिंग थी वो तुम्हें पसंद ही आती है इस बार ही पसंद ही आए, बट जो स्क्रिप्ट चेंज था उसके अंदर इन्होंने नहीं हगा इस बार। हाँ जी मैंने भी नोटिस करा, डीमन्स यार मां को निशान बोल रहे हैं। अब जिस समय वो निशान बन रहे थे इतना मैं बोलूंगा चलता है। हाँ ये मैं बोलूंगा इस बार की जो हिंदी डबिंग है वो पिछले सीजन तो काफी अच्छी थी। वही लोग क्या लिख रहे हैं अगेन
ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैंने तुमने हिंदी डबिंग सुन ली, लोगों की ओपिनियन भी जान लिए, तुम अपने ओपिनियन भी बताना कमेंट्स के अंदर। अगर तुम मुझसे पूछो तो जो स्क्रिप्ट राइटिंग है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है, इस चीज के अंदर कंसीडर तुम्हें डेफिनेटली पॉइंट्स मिलेंगे। जो वॉइस एक्टिंग है मुझे वो भी काफी सही लगी, मुझे इतनी कंप्लेन नहीं है हर किसी के अंदर, कुछ कुछ जगह जहां मुझे लगा कि ये इतना सही नहीं था, हमने बोल दिया ऑलरेडी। और मैं देख रहा हूं कमेंट्स के अंदर कुछ लोग ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं, मेरे हिसाब से वो लोग हैं जिन्होंने अभी ही डबिंग देखना शुरू करा, इतना मुझे लगता है। जो लोग क्रंचीरोल की डबिंग शुरू देखते आ रहे हैं वो लोग पक्का बोलेंगे डबिंग अंदर इंप्रूवमेंट आई है, और मैं उनमें से एक ही हूँ। मूगन ट्रेन सीजन 2 वगैरह सबसे डबिंग का रिव्यू करता आ रहा हूं मैं तो। बड़ा होमीज, डबिंग का सफर इतना ही था, हमें ऐसी और वीडियोस के अंदर सायोनारा।